बात करने वाले हरियाणा वर्सेस जयपुर के बीच होने वाले आज के सेकेंड कबड्डी मैच के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस बताऊंगा, किसने आखिरी मैचेस में कैसा किया, किसका ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस है, इस मैच आप जीएल में कैसे रोटेशन कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, उसके अलावा कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है, सबसे बड़ी बात आप मिनी जीएल कैसे जीत सकते हो, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वीडियो बनाने से पहले तीन तीन चार चार घंटे का एनालिसिस करना पड़ता है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। उसके अलावा अगर आप टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, तो हमारी खुद की फाइनल टीम चाहिए तो फिर आपका हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के सबसे पहला जो आपको कमेंट होगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी टीम मैच जीत सकती है। यकीन मानो अगर आपका ये प्रेडिक्शन सही हो गया तो 70% कॉन्फिडेंस आप ऐसे ही ऑन कर सकते हो। हरियाणा की टीम ने इस सीजन अपने दो मैचेस के लिए दोनों ही मैचेस जीत करके आ रही है, वहीं जयपुर की टीम ने इस सीजन में अपने दो मैचेस के लिए एक मैच जीत करके आ रही है, एक मैच हार करके आ रही है। तो आपको ये कहूंगा कहीं ना कहीं हरियाणा के प्लेयर्स को हम ज्यादा फोकस करके टीम बनाने वाले, क्योंकि इनके पास मनजीत जैसा रेतर है, डिफेंडर्स में भी आपको काफी बड़ा बड़ा जयदीप कुलदीप हो गया, उसके बाद मोहित हो गया जिसने आखिरी के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, उसका नितिन रावेल भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है, तो काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें एक एक प्लेयर के एनालिसिस के बारे में, देखो सबसे पहले जयपुर के बारे में बात करेंगे। अर्जुन देसवाल जो कि इनका मेन रेतर है, आप इसका आरपीएम देखो, आरपीएम मतलब रेत पर मैच, हर मैच में इसने कितने रेत किए हुए, एवरेज रेत पर मैच 12 के करीब का है, और एक रेत से कितने पॉइंट्स मिलेगा, 8 पॉइंट्स मिलेगा, और अगर 12 रेत इसने कर दिए तो आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा 96 के करीब आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि 100 के करीब पॉइंट्स ईजिली अर्जुन देसवाल हर मैच से दिला करके जा सकता है। पहले मैच में इसने 7 रेत किए, दूसरे मैच में इसने 15 रेत किए हुए, यानी कि दोनों मैचेस का परफॉर्मेंस भी इस सीजन का अच्छा रहा है। तो अर्जुन देसवाल इस मैच के लिए आपके कैपेसिटी वाइज कैपेसिटी के लिए नंबर 1 प्लेयर बन सकता है। राहुल चौधरी जो कि आशीष रेदर के तौर पे खेल रहा है, पहले मैच में सिर्फ एक रेत, दूसरे मैच में भी फ्लॉप हुआ है, इसका जो रेत पर मैच है वो भी 1.86 का है, तो इसको फिलहाल के लिए लेकर के नहीं चलेंगे, ना स्मॉल लीग में ना जीएल में। बात करें वी अजीत कुमार जो कि एक ऑलराउंडर्स में नाम है, लेकिन मेनली जो है रेदर ही है, आखिरी सीजन में इसका नाम रेदर्स में आ रहा था, आपने देखा होगा सीजन जो 8 आया था कबड्डी का, वीवो प्रो कबड्डी का, दोनों मैचेस में इसने 4-4 रेत करके दिया हुआ है, और इसका आरपीएम भी आपको देखने को मिलेगा 20 मैचेस में 7.95 का देखने को मिला हुआ है, यानी कि 8 रेत के करीब ईजिली आपको करके दे सकता है, यानी कि हर मैच आपको 70 के करीब पॉइंट्स दिला करके जा सकता है। प्लेयर काफ़ी शानदार है। उसके बाद ऐसा अभिषेक केएस, पहले मैच में 4-4 टैकल करके दिया हुआ, डिफेंडर है, ध्यान रखना डिफेंडर है, 4-4 टैकल करके दिया, यानी कि एक टैकल के अगर आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो 4 टैकल के आपको 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और दूसरे मैच में एक भी टैकल नहीं किया हुआ है, आप इसको मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में यूज़ कर सकते हो, बाकी मैं स्मॉल लीग में प्रेफर नहीं करूंगा। सुनील कुमार जो कि आखिरी सीजन के अंदर अपनी टीम के लिए कप्तानी भी कर रहा था, इसका नाम ऑलराउंडर्स में था, मैंने पिछले सीजन में बार बार कहा था कि ये मेन जो है डिफेंडर है, इस सीजन में इसका नाम डिफेंडर्स में, आखिरी सीजन काफ़ी ख़राब गया लेकिन इस सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है, पहले मैच में 2 टैकल किया, दूसरे मैच में 3 टैकल किया हुआ है, एवरेज भी आपको 1.65 का देखने को मिला हुआ 23 मैचेस में, तो आप लिए ज़रूरी प्लेयर रहेगा। अंकुश जेआर की बात करो, नया प्लेयर है, युवा प्लेयर, यंग प्लेयर, इससे पहले इसने युवा कबड्डी के मैचेस खेल रखे हैं और भी कबड्डी के सीरीज खेल रखे हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर मौका मिल रहा है, पहले मैच में 3 टैकल, दूसरे मैच में 4, यानी कि काफ़ी अच्छे फॉर्म है, तो लेकर के जरूर चलना है। सॉल कुमार आखिरी सीजन का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में इसका नाम था, आप इसका एवरेज जरा देखो, हर मैच से टैकल करने का 2.5, यानी कि अगर 2.5 टैकल हर मैच करके देगा, एक टैकल का 20 पॉइंट्स, मान लो अगर 3 करके दे दिया तो 60 के करीब पॉइंट्स मिल जाएगा, लेकिन इस सीजन के पहले मैच से एक भी टैकल नहीं किया, दूसरे मैच से एक टैकल करके दिया, लेकिन यानी कि इस समय जो फॉर्म में नहीं है, तो आपको करना है क्या, इसको अपनी मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में यूज़ करके चलना है, मैं स्मॉल लीग में लेकर के नहीं चलूंगा, मिनी जीएल और मेगा जीएल में लेकर के चलना है अपनी 3-4 जीएल की टीम में। अब मैं आपको ये कहूँगा, आप अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो आपको सुनील कुमार और अंकुश जेआर को लेकर के चलना चाहिए, लेकिन अगर आप मिनी जीएल या फिर मेगा जीएल की टीम बना रहे हो तो अभिषेक केएस और सॉल कुमार में से किसी एक प्लेयर को अपनी स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सभी टीमों में लेकर के चलना है। अगर 10 टीम बना रहे हो तो इन दोनों को अपनी 3-3 टीम में जरूर यूज करना, दोनों में से कोई एक ऐसा प्लेयर जरूर होगा सॉल कुमार और अभिषेक केएस में से, जो कि आपको इस मैच में 70 के करीब पॉइंट्स दिला करके जा सकता है और आपको इजिली मिनी जीएल और मेगा जीएल में विनिंग कराने में मदद कर सकता है। मैं जरूरी प्लेयर्स की बात करूं तो आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेंगे अर्जुन देसवाल, उसके बाद यहाँ से सुनील कुमार, उसके बाद अंकुश जेआर,
ये तीन आपके लिए जरूरी प्लेयर्स रहेंगे। बाकी आप रिस्की तौर पे वी अजीत कुमार को अपनी मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में यूज करके चल सकते हो, और अभिषेक केएस को, ये दोनों को अपनी मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बात करेंगे दूसरी टीम के बारे में, उससे पहले आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि 100 जाने का लाइनअप आ जाएगा। जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर ही देखने को मिलेगी। वहीं पे मैं अपने 7 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीजों के साथ अपनी फाइनल टीम सबसे पहले शेयर करूंगा। टेलीग्राम सर्वर पर ज्वाइन आना आपके एकदम फ्री है, तो फ्री में मैं अपनी फाइनल टीम शेयर कर दूंगा, जिस टीम से मैं खुद पैसे लगाने वाला हूँ इस मैच के अंदर। कहाँ पे पैसे लगाऊंगा, कितने लगाऊंगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्यों करूंगा, सब चीजें आपको टेलीग्राम सर्वर देखने को मिल जाएगी, मालूम चल जाएगा। टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन करना आपको एकदम फ्री है, तो फ्री की चीज को मत छोड़ना। टेलीग्राम सर्वर लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। नाम ले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में आपको जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां भी नाम मिले तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाना, वहां पर सर्च मार लेना @RVDChampion, जो कि आपको नीचे लिखा हुआ मिल रहा होगा, वो आप सर्च मारोगे आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखो मिल जाएगा, वहीं पे ज्वाइन कर लेना। वहीं पे मैं अपने 7 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीजों के साथ अपनी फाइनल टीम आपको शेयर कर दूंगा। वहीं अगर बात करें हरियाणा की टीम करें, देखो आखिरी मैच मंजीत जो कि इनका मेन रेडर है, आखिरी सीजन में इसका नाम ऑलराउंडर्स में आ रहा था, लेकिन इस सीजन में रेडर्स में नाम आ रहा है, मेन रेडर है, देख सकते हो आखिरी सीजन में इसने आधा टैकल भी करके दिया, यानी कि टैकल करके दे सकता है, लेकिन रेड पर मैच आप देखो इसका आज का है 7.95 का, और इस सीजन के दोनों ही मैचेस में 15 रेड और 6 रेड, तो काफी मेन प्लेयर है, लेकर के जरूर चलना। ये भी आपके लिए केवीसी के लिए कप्तानी वाइस कप्तानी के लिए नंबर वन प्लेयर रहेगा। उसका राकेश नरवाल जो कि इनकी टीम का असिस्ट रेडर है 4.56 का आपको और आरपीएम देखने को मिला रेड पर मैच, इसको लेकर के नहीं चलूंगा। नितिन रावल पहले मैच 2 रेड करके दिया, 1 टैकल किया, दूसरे मैच 3-3 टैकल करके दिया हुआ है, एवरेज जो है टैकल का 1.08 का है, और इसने टैकल 14 करके दिया हुआ 13 मैचेस के अंदर, 0.85 का आपको आरपीएम भी देखने को मिला हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि रेड करके नहीं दे सकता, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा रेयर केस में मिलेगा। मेन जो है डिफेंडर है, जयदीप कुलदीप को मिस नहीं करना है, चाहे वो स्मॉल लीग की बना रहे या फिर मिनी जीएल या फिर जीएल की, क्योंकि मेन डिफेंडर है, सबसे सही डिफेंडर है, 3 का आपको एवरेज देखने को मिला हुआ है, एवरेज टैकल हर मैच 3, यानी कि हर मैच 60 के करीब पॉइंट ईजिली दिला करके जा सकता है। आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए नंबर वन प्लेयर बन सकता है। मोहित को भी लेकर के चलना है, आखिरी के दोनों मैचेस का परफॉर्मेंस देखो, 3 टैकल 2 टैकल जरूरी प्लेयर रहने वाला है। जोगिंदर नरवाल जो कि अपनी टीम के लिए कप्तानी कर रहे, दोनों ही मैचेस में फ्लॉप गए, 1 भी टैकल करके नहीं दिया हुआ है, 1.63 का आपको इसका एवरेज देखने को मिला हुआ है। मोनू हुदा ने पहले मैच 2 टैकल किया, दूसरे मैच वो भी नहीं। मैं आपको कहूँगा जोगिंदर नरवाल को अपनी मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में रोटेशन में जरूर यूज करना, अपनी टीम के लिए कप्तानी कर रहे, कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। जरूरी प्लेयर आपके लिए मनजीत रहेगा, उसका जयदीप कुलदीप रहेगा, ये दोनों आपके लिए जरूरी प्लेयर्स हैं। अब आपको सोचना है कि आपको मोहित के साथ जाना है या फिर जोगिंदर नरवाल के साथ, उसके बाद आपको सोचना है कि आपको नितिन रावल के साथ जाना है या फिर यहाँ से वी अजीत कुमार के साथ जाना है। दोनों ऑलराउंडर्स है, दोनों से किसी एक ही को लेकर के चलना है। बाकी ये जो बेंच का प्लेयर इनमें से अगर कोई खेल रहा होगा तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं 100 जाने का लाइनअप आ जाने का फ्री में अपने टेलीग्राम से आपको फ्री शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम से का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना। अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर इस तरीके की अपनी फैंटेसी की टीम बनाई हुई है, इसमें जो भी चेंजेस होगा उसका इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको टॉस होने के बाद मालूम चलेगा। टॉस होने का जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर को फ्री में देखने मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन होना मत बोला। टेलीग्राम सर को मैं अपनी फाइनल टीम आपको शेयर करूंगा, जिस टीम से मैं खुद पैसा लगाऊंगा। टेलीग्राम सर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा देखो मैं इस मैच के अंदर अपने पूरे पैसे जो है स्पोटेसी ऐप को मैं लगा रहा हूं, मेरा काम है आपको बता देना, बाकी आप कहीं पे भी पैसा लगा सकते हो। बाकी स्पोटेसी पे आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा लोअर फीस देखने को मिलेगा। यहां पर मेरे कहने पर एक बार आपने 1000 रुपए लगाओगे तो 100 रुपए बचा लोगे, यानी कि 1000 रुपए का कॉन्टेस्ट जो आपको दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगा यहां पर आपको 900 का देखने को मिलेगा। यहां पर आपको कबड्डी के मैचेस पर बहुत सारे फ्री गिवअवेज भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि फ्री में पैसा कमा सकते हो। यहां पर आपको 15 लाख रुपए का लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि किसी भी दूसरे फैंटेसी ऐप के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा पूरे फैंटेसी की दुनिया में। 15 लाख रुपए का आपको
लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा जो कि सबसे बड़ा है। सिर्फ एक कॉन्टेस्ट में खेल करके आप लाखों रुपए जीत सकते हो। इस पोतेसी ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। चाहो अभी के अभी वहां से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो, क्योंकि इस मैच के मैं अपने यहाँ के इस पोतेसी के यूट्यूबर्स को भी टारगेट करूंगा, जिससे कि भाई टीम के इस पोतेसी पे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर दूसरे फैंटेसी एप्लीकेशन के हिसाब से। तो इस पोतेसी ऐप के ऊपर आप खेल सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ अभी के अभी वहां से डाउनलोड करो और मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो।